एंड अभी ये इस मोड में है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना वो फ्लिकर कर रहा है, देखो देखा कूल है ना ये। आवाज अभी देने अभी आवाज देने बोल रहा है। बढ़िया व्लॉग बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना व्लॉग का स्टोरी। अगर आपका स्टोरी बढ़िया है ना, मतलब समझो आपका व्लॉग बढ़िया है। सो आज का स्टोरी कुछ ऐसा है ना कि हम 4 दिन तक लगातार व्लॉग करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा, 4 दिन तक हम लगातार व्लॉग करने वाले हैं। लेकिन 4 दिन तक व्लॉग करने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और उस डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि मेरा कार कंडीशन में रहे, और कार को कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी कि हम कार का टायर चेंज कराएं। तो अभी हम जा रहे हैं कार का टायर चेंज कराने के लिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप आप सभी को बढ़िया होंगे। तो कल हम निकल रहे हजारीबाग, डेस्टिनेशन तो हमने बता दिया, लेकिन हम हजारीबाग क्यों जा रहे हैं ये सस्पेंस रहेगा। तो इसलिए मेरे को ज़रूरी है कि टायर चेंज करा ले। ये आगे वाला जो टायर है ना, ये वाला, इसको चेंज कराना है। बाकी बात सब बढ़िया है, बट ये वाला पता नहीं क्यों ज़्यादा घिस गया है। तो भैया अभी हम दुकान पहुंच चुके हैं JK ऑटो केयर, यहाँ पे टायर हम चेंज करा रहे हैं। एंड एक्चुअली ये जो दुकान है ना, वो एक हमारे मित्र उनके भैया का है ना, उनके भैया का है। सो उनसे भी मिलवाते हैं। सो इधर है हमारे मित्र जेरमी भाई, तो इनसे भी हमारा दोस्ती हुआ था YouTube के थ्रू ही। इनका भी एक चैनल है YouTube में JK स्टडी करके, उसके थ्रू हम लोग का जान पहचान हुआ था। तो फिर ये बोले थे यार कि कभी कार वार का काम कराना हो तो मेरा दुकान में आ जाना। तो हमने बोला आज ज़रूरी है, तो आ गए हम। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया है, आप बताइए। अरे एकदम हम भी बढ़िया है। चलिए आप हैवी डिस्काउंट करवाइए। कार का हमारा काम हो चुका है, टायर हमारा चेंज हो चुका है, प्लस अलाइनमेंट भी हो चुका है। तो आइए यहाँ के ऑनर से आप लोगों को मिलाते हैं। तो ये है भैया यहाँ पर। हेलो। तो अगर कुछ भी काम वगैरह कराना होगा तो भैया के पास आप लोग आ सकते हो एनी टाइम। एंड एड्रेस बता दीजिए भैया एक बार। एड्रेस है मेरा एटकी रोड। एटकी रोड में ना, एटकी रोड रिंग रोड ब्रिज के पास। जैसे आप लोग रिंग रोड वाला ब्रिज क्रॉस करते हो ना, बस उससे आप लोग 2 मिनट भी आप लोग सीधे चलोगे ना, लेफ्ट साइड में दुकान होगा, बाहर से हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे आ जाना, कार का काम कुछ भी कराना होगा करा लेना, जेन्युइन प्राइस में हो जाएगा। यूजुअली हम चाय पीते नहीं है, लेकिन आज मन कर रहा था पीने का, तो हम जेन्युइन भाई आ चुके हैं चाय पीने के लिए। तो चाय का मजा लेते हैं। टायर चेंज होने के बाद ना कार चलाने का असली मजा आ रहा है। एकदम मेरे को लग रहा है कि हम कोई नया कार चला रहे हैं, बिकॉज पिकअप भी बढ़ गया है, हैंडलिंग भी एकदम सुधर गया है। पहले हाई स्पीड में हल्का सा ऐसे ऐसे वबल करता था, बट अभी एकदम स्टेबल है। तो मज़ा आ रहा है यार मेरे को कार चलाने में। अभी एक काम बाकी है, जो ड्रेस हमने दिया था ना टेलर को सिलने के लिए, वो अभी तक स्टिच हो चुका होगा। तो अभी जा रहे हैं टेलर के पास, ड्रेस उठा लेते हैं। तो अभी छुट्टी हुआ है स्कूल का, एंड ये वही स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ते थे, एंड सेम यूनिफॉर्म ऐसी। हम लोग का भी छुट्टी होता था, फिर दोस्त लोग के साथ बात करते करते बाहर निकलते थे। यार वो भी क्या दिन थे। लेकिन जब स्कूल में थे ना, तो उस समय मज़ा नहीं आता था, लगता था ये क्या यार, टीचर का डांट सुनना है, रोज मार खाना है, होमवर्क करना है, कितना टेंशन रहता था उस टाइम पे हमें लगता था। बट अभी पता चलता है भाई, स्कूल का लाइफ ही बहुत ज़्यादा बढ़िया था यार। ऐसे ही हम साइकिल से जाते थे घर छुट्टी होने के बाद। तो स्कूल आने जाने के लिए रोज हम 6 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। आज के टाइम में कोई बोल देगा ना कि बीमल तुमको 6 किलोमीटर साइकिल चलाना है और कहीं पर जाना है, हम बोलेंगे भाई साहब तुम पतली गली से निकल लो। यार आज के टाइम में तो बाइक से जाने में भी कहीं पर त्रास लगता है, तो साइकिल तो भाई साहब वो दूर का बात है। बट पता नहीं यार बचपन में सब कैसे कर लेते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग ऐसा साइकिल चला चला के 3-4 किलोमीटर स्कूल जा रहे हैं। बट वहीं जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, फिर पता नहीं हम लोग को क्या हो जाता है। तो एक एक्सेसरीज मैंने मंगाया कार के लिए, एंड वो है कार का एम्बियंट लाइट। सो बेसिकली ये क्या करेगा ना कि म्यूजिक के हिसाब से ये सिंक हो जाएगा, एंड म्यूजिक के बीट के हिसाब से ये ब्लिंक करेगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, एंड मेरे को बहुत दिनों से मन था कि ऐसा कुछ मैं अपने कार पे लगवाऊं। बेसिकली डब्बे के अंदर है ये LED। सो ये जो है ना, ये एक तो यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एंड बाकी पीछे वाले सीट के नीचे लग जाएगा। तो ये 4 पीस है,
बेसिकली दीज आर द बल्ब्स एंड ये है उसका कंट्रोलर एंड ये है रिमोट एंड ये इसका जहाँ से इसको पावर मिलेगा। एंड अभी पेपर लगा के रखा हूँ यार, उसको इग्नोर कर देना बिकॉज मैट्स अभी धुलने के लिए हम दिए हुए हैं तो कुछ था नहीं लगाने के लिए। लेकिन फिट करने से पहले एक डेमो दे देते हैं आप लोगों को ताकि आप लोग समझ सको कि कैसे ये काम करता है। तो अभी हम कनेक्ट कर दिए हैं चार्जर से एंड अभी ये इस मोड में है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना वो फ्लिकर कर रहा है, देखो देखा कूल है ना ये, मतलब रात में सोचो ये लगा हुआ है एंड कोई पैसेंजर बैठा हुआ है बात कर रहे तो ये फ्लिकर कर रहा है एंड ये गाने के साथ भी फ्लिकर करेगा। लेट मी प्ले द सॉन्ग, अपने ही गाना बजाते हैं। इट्स योर बॉय बिमल जॉर्ज, लेट्स गो। देखो हाँ एक दिन नाम होगा मेरा, अंधेरा खत्म होगा नया सवेरा, आंखों में हूँ सपने लेकर मैं आया, करना है वो जो कोई कर ना पाया, मेहनत से बढ़ता है आगे इंसान, मेहनत तू कर ना बनना दान, खुद पे भरोसा रख रास्ता। तो अभी मैं फिगर आउट करता हूँ यार कि इसको किस तरीके से लगाना है, एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए मेरे को, तार इधर उधर दिखना नहीं चाहिए। तो एक बार हम पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को एंड रिजल्ट दिखाते हैं। लाइट हमने फिट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से एंड कार अब हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा ये कूल लग रहा है, मेरे को यही लुक चाहिए था। ये सामने का कुछ ऐसा लुक है एंड पीछे का कुछ इस तरीके से लुक है जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है यार। इसका जो मेन कंट्रोलर है ना उसको हमने इस डैशबोर्ड के पीछे लगा के रखा है, सारा तार जो है ना इसके अंदर है एंड पीछे के सीट में जो ये लाइट गया है ना इस तरफ तो वो यहाँ पर से तार को हमने देख सकते हो अंदर अंदर इसके अंदर अंदर लेकर के गया है एंड वो पीछे के सीट में वहाँ पर लगाया है हमने बल्ब। तो मेरे को जैसे नीट एंड क्लीन काम चाहिए था वैसे ही काम हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। हाँ तो भैया वी आर ऑल सेट टू लीव टू हजारीबाग एंड मेरी जिंदगी की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने घर वालों से पहले रेडी हो चुके हैं एंड कार में आके बैठ चुके हैं एंड राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय मॉम एंड डैड, वो लोग आएंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे एंड अभी टाइम लगभग 3:30 हो रहा है तो शाम में ड्राइव करने का अलग ही मजा है। हजारीबाग हम पहुंच चुके हैं, रास्ते में हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज मम्मी पापा साथ में थे एंड शाम भी हो चुका था। अभी इधर अनीश भी है, क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा व्लॉग इधर भी पब्लिक लोग है, अबे आवाज कुछ नहीं है। क्या इतना गंदा रिएक्शन दिया तुम लोग, अभी आवाज देने बोल रहे तो सस्पेंस अभी भी बरकरार रखते हैं कि हजारीबाग हम क्यों आए हैं, बट हॉल देख के थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कुछ पार्टी वगैरह होने वाला है। अभी क्या पार्टी होने वाला है वो कल वाले व्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को।